छोटा गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हैं? आज हम बात करते हैं हिस्ट्री लेसन 12 की, और ये आपका लास्ट लेसन है। जैसे कि पता है, हम लोग ने ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री भी आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, मतलब इस लेसन में आपका लास्ट लेसन 12 है। और लेसन का नाम है बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है, तो ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं और जो पेंटिंग्स और बुक्स हैं, वे हमें क्या नॉलेज देते हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी इन पेंटिंग्स बिल्डिंग्स और बुक्स से मिलता है, आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट लेसन होगा अपने हिस्ट्री के सिलेबस का। ठीक है, देखते हैं जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट पॉइंट है द आयरन पिलर। ये आयरन पिलर कहाँ का है, ये कब का है, और क्या इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आप लाइन से देखते रहें, पेज नंबर आपका 122 है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको ओपन कर लें। ओके, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं आयरन पिलर। द आयरन पिलर एट महरौली, कहाँ है, महरौली, ये दिल्ली में है। ओके, इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडिया क्राफ्ट पर्सन। जो आयरन है आपके बुक में भी दिख, आपको सामने दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पिलर आपका है महरौली में है, आयरन पिलर का है तो दिल्ली में है। ये बताता है कि उस समय का जो स्कल्पचर था, जो वास्तुकला थी, शिल्प कला थी, वो हमारे कंट्री में कितना डेवलप था, और हमारे कंट्री के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो कितने स्किलफुल थे, कितने नॉलेजेबल थे। इट इज मेड ऑफ आयरन, ये आयरन का बना हुआ है, 7.2 मीटर हाइट, 7.2 मीटर की हाइट है, एंड वेट ओवर 3 टन्स, यानी कि 300 किलो जो है इसका वेट है। ओके, इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो। और देखो क्वालिटी क्या है आयरन की, कि नियर अबाउट 1500 वर्ष पहले बना हुआ जो पिलर है आज भी सेम चीज में है, इसमें कहीं से जो है डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रॉय होने की बात नहीं है। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर मेंशन द रूलर नेम्ड चंद्रा। और ये डेट जो है उस पिलर पे मेंशन किया गया है, जो पिलर आपको फिगर मैंने दिखाया। ओके, इन्हें कौन बनाया था, चंद्र नामक शासक थे उन्होंने, जटमीन चंद्र गुप्ता, गुप्त डायनेस्टी का ये आपका बना हुआ है। हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्त डायनेस्टी, इसको हम 11 लेसन में पढ़ा, 11 चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने। व्हाट इज अमेजिंग इज द फैक्ट दैट पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स, यानी कि 1500 वर्षों में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1500 वर्षों में जो आयरन पिलर है वो थोड़ा भी रस्टेड नहीं हुआ है, थोड़ा भी जंग लगने की चीज नहीं है। ओके, देख रहे हैं आप उसमें कितना ही जो कलाकारी की गई है, वो कितना मतलब इम्पोर्टेंस है, और कैसे वहां पर जो वास्तुकार या कलाकार थे वो उसको कौशल या फिर स्किलफुल थे। आइए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन। जो बिल्डिंगों में, जो मकानों में जो ब्रिक्स और स्टोन लगे हुए हैं वो कैसे होते थे और वो कैसे बनते थे, तो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की, कि आज हम लोग एक सिंपली घर का दरवाजा लगाते हैं, ग्रिल लगाते हैं, तो महज 20 वर्ष में जो है उस पर रक्षित होता है, जंग लग करके वो स्नाप जाता है। लेकिन आज से लगभग 1500 वर्ष पहले जो आयरन पिलर वहां पर मरौली में देखने को मिलता है, उसे ये मानता है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है या आज का जो सिस्टम है उससे कहीं बेहतर सिस्टम था उस समय का, और जो स्किलफुल जो क्राफ्ट पर्सन थे वो भी बहुत ही काफी नॉलेजेबल हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बिल्डिंग्स जो हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री में, तो बिल्डिंग्स आज भी सेम का सेम मिलते हैं जो पहले बनाया गया था। लेकिन आज देखते हैं कि बिल्डिंग बना रहे हैं 40 इयर्स या 50 इयर्स में क्या लेते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी जो सिस्टम था, जो मटेरियल था, वो आज से कहीं कई गुना वो ज्यादा बेटर था। देखते हैं द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव सच एज स्तूप, यानी जो बिल्डिंग्स बनते थे पहले क्राफ्ट पर्सन द्वारा, जो ईट और स्टोन ब्रिक्स बनते थे वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, काफी ज्यादा जो है हैवी हुआ करते थे। तो स्तूप का मतलब होता है, वर्ड स्तूप मीन्स मॉड, यानी कि एक ऐसा जो है, आपको दिखा सकता हूँ फिगर में, ये आप देख सकते हैं, ये
स्तूप जो है सांची का है, जो मध्य प्रदेश में है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो ये स्तूप जो बने हैं आपको, ये इसको बोलते हैं स्तूप। और नियर अबाउट वाइल्ड देयर सर्वाइवल काइंड ऑफ स्तूप राउंड एंड टॉल बिग एंड स्मॉल, ये जो स्तूप है कई साइज में कई वैरायटी मतलब डिजाइन के हुआ करते थे। दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, लेकिन इसमें कॉमनली फीचर्स एक ये था, जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूप, यानी कि सबसे बड़ी बात है चाहे स्मॉल हो या बिग हो स्तूप जो भी साइज का था, लेकिन एक बात कॉमन थी कि स्तूप के सेंटर में एक बॉक्स नुमा प्लेस होता था और दिस में कंटेन बॉडी रिमेन सच आई टीथ बोन्स एंड एसेस, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें टीथ दांत बॉडी का कुछ पार्ट्स और एसेस में जो महात्मा बुद्ध का रखा गया है, जो फॉलोअर्स थे उनके अनुयायी थे उनको प्रिजर्व करके रखे एक यादगार के रूप में, मेमोरीज के रूप में। और थिंग्स दे यूज्ड, और उनके साथ साथ जो थिंग्स ये जो इक्विपमेंट्स या वस्तु जो यूज करते थे उसको भी उनके साथ प्रिजर्व किया गया है, एज वेल एज प्रीशियस स्टोन एंड क्वाइंस भी, यानी कि जो स्तूप होता था एक तरह से कह सकते हैं एक टॉम हुआ करता था, और जहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो पर निर्माण हुआ उसे उनकी बॉडी का कुछ कुछ पार्ट्स लेकर के उसे अलग अलग जगह पर इटैब्लिश किया गया, उसको स्तूप का नाम दिया गया, और इस स्तूप के सेंटर प्लेस पे एक बॉक्स बनाया गया, और जिस बॉक्स में इनके बॉडी का या इनके जो यूज करते थे उन सब चीजों का कुछ जो पार्ट्स है उसमें रखा जाता था। ओके, दिस बॉक्स नोन एज द रैलिक कास्केट, यानी कि जो बॉक्स होता था उसको क्या बोलते थे, रैलिक कास्केट वाज कवर्डेड विथ अर्थ, जो है मिट्टी में सो इसको मिट्टी में जो है रखा जाता था। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक्स एंड बेक्ड ब्रिक्स वाज एडेड ऑन टॉप, और उसके ऊपर में मिट्टी के बने हुए ब्रिक्स कच्चे या पक्के उसको मतलब भी करके उसको मतलब अंदर ऊपर से ढक देता था। एंड देन द डॉम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद द क्रैक स्टोन स्लैब, और बाद में जो है इस पर गुंबद नुमा जो है बिल्डिंग्स बनाया जाता था जिसको स्तूप कहा जाता था। तो आप देखते हैं फिगर में, जो नेक्स्ट फिगर में जो आपका दिया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया, ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ पाथ वाज लेड अराउंड द स्तूप, और स्तूप के चारों तरफ जो है एक रास्ता बनाया जाता था जिसको बोलते थे प्रदक्षिणा पाथ बोलते थे। दिस वाज सराउंडेड विद द रेलिंग, और चारों तरफ से रेलिंग से घिरा होता था। इंट्रेंस ऑफ द पाथ वाज थ्रू गेटवे, और जो उस पाथ में जाने का जो रास्ता होता था गेटवे में गेट से मतलब ओपन होता था। डिवोटी वॉक अराउंड द स्तूप, और जो मानने वाले जो धर्मावलंबी है वो इस पाथ के चारों तरफ से जो क्या करते थे चलते थे राउंड करते थे वॉक करते थे। इन सच क्लॉक वाइज डायरेक्शंस जो है एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, यानी कि एक आस्था और विश्वास के रूप में इसे आज लेते हैं, हम जाते हैं कहीं धर्म स्थान पे या तीर्थ स्थान पे तो क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं, सेम प्रक्रिया वहां भी हुआ करता था होता था, और आज भी जो उनके अनुयायी हैं महात्मा बुद्ध के वो जाते हैं और क्या करते हैं क्लॉक वाइज जो है वॉकिंग करते हैं। ओके, बोथ रेलिंग एंड गेटवे वेयर ऑफन डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर, और जो रेलिंग और गेट होता था वो काफी ही डेकोरेट होता था। आप ही देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो गेटवे बनाया गया है ये जो गेट है वो काफी डेकोरेटेड है। ओके, और नेक्स्ट है हम आगे देखेंगे मैप नंबर 7 में पेज नंबर 113 में कि जो अमरावती का जो ये अमरावती जो मैप में है दिस वाज द प्लेस वेयर द मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एग्जिस्ट, यानी कि अमरावती में भी क्या है इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा बृहद जो है आपको स्तूप देखने को मिलेगा। मेनी ऑफ द स्टोन कैविंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूप वेयर मेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, और जो स्तूप को डेकोरेट करने का जो स्टोन है जो क्रेविंग किया गया है वो लगभग आज से 2000 वर्ष पहले उसको डिजाइन किया गया था। अदर बिल्डिंग वेयर हॉल्ड अबाउट अ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल कैप्स, और ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो आर्टिफिशियल जो है रॉक में यानी कि उसको मतलब काट काट करके बनाया गया है। सम ऑफ दीज वेयर वेरी इलेबरेटली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल, इसमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे भी बिल्डिंग्स हैं जो काफी डेकोरेट किया गया काफी उसको पेंटेड किया गया है वॉल्स को। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं
ये सीमांत होता है कि उस समय के जो स्कल्पचर थे या उस समय के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, नॉलेजेबल थे, उनको ज्ञान था, नॉलेज था उसके आपको सब्जेक्ट में। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल, उस समय और हिंदू टेम्पल्स के एग्जाम्पल मिलते हैं, देर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम डैट इज सच एज द विष्णु शिवा एंड दुर्गा वेयर वर्कशिप इन दिस चरणी, और ऐसे स्थानों पे दुर्गा शिवा और महात्मा भगवान विष्णु की पूजा हुआ करती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज रूम नोन एज द गर्भगृह, और मंदिरों का जो मेन पार्ट होता था जहाँ भगवान की मूर्तियाँ रखी होती थी उन्हें क्या कहते थे, गर्भगृह कहते थे। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वाज प्लेस्ड, इट वाज हियर दैट क्राइस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटी ऑफर्ड वर्कशिप टू द डेटी, और ये गर्भगृह जो होता था मेन पूजा का स्थल होता था जहाँ भगवान की मूर्तियाँ रखी होती थी और जो पुजारी जो थे उनकी पूजा किया करते थे। ऑफन एट द भीतरगौन, इस बोलते हैं भीतरगौन, एट द टावर नोन एट द शिखर वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर में गर्भ टॉपअप में जो है गुंबद नुमा बनाया होता था, ठीक है। टू मार्क दिस आउट ऑफ द सेक्रेट प्लेस, ये एक मार्क होता कि जो है बहुत ही सेक्रेट यानी कि पवित्र जो है जगह है। बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, और जो बिल्डिंग का शिखर होता था आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग का जो शिखर है ये गुंबद नुमा है, इसी को बोलते हैं गर्भगृह। एक इमेज इंडिकेट करता था ये जो है क्या है, सेक्रेट प्लेस है, इम्पोर्टेंट जो है मंदिर का पार्ट है जहाँ पर ऑल सेक्रीफाइस जो है रिचुअल कार्यक्रम जो है होता है, और ये बहुत प्लान केयरफुल प्लानिंग मान से बनता था। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ प्लेस स्पेस नोन एज द मंडपा, इट वॉज अ हॉल वेयर पीपुल कुड असेंबलीज, और इस टेम्पल में एक और मंडपा बोलते थे जहाँ पर कोई भी आम नागरिक जा करके मीटिंग असेंबली या सभाएं हुआ करते थे। महाबलीपुरम एंड आई होल, आप उसको 7 नंबर मैप में देखेंगे, तो सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल वेयर बिल्ट इन दिस टाउन, यहाँ दोनों शहरों में जो है स्टोन का टेम्पल बना हुआ है, और सम ऑफ दिज आर सोन हियर, इसमें से कुछ आप देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टेम्पल आपका है बिल्कुल ही स्टोन का बना हुआ टेम्पल है, वो कितना लार्ज है, कितना बड़ा है, कितना हैवी है, और किस तरह का डिजाइन किया हुआ है आप इसको देख सकते हैं, जो आज तक भी इस तरह के कलाकार जो है, इस तरह की जो स्कल्पचर है वो नहीं कर पाए हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ वेयर स्तूप एंड टेम्पल्स बिल्ट, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।